मेरा हिंदोसिस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलसिताए प्यारा चमन। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात व्लॉग्स। आन देश की, शान देश की हम संतान है, तीन तिरंगों से रंगा तिरंगा यही अपनी पहचान है। आप सभी को हैप्पी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज मैं जा रहा हूँ एक बार फिर से हमारी स्कूल में, जिसे लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि 15 अगस्त हमारे स्कूल में किस तरह से मनाते, किस तरह से होता है। तो आज आप देखोगे कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारे स्कूल में कैसे होता है, कैसे मनाते। तो और आज वीडियो में आप एंड तक बने रहो, क्योंकि आज के वीडियो में आप जैसे लास्ट 15 अगस्त देखे थे, आज 26 जनवरी देखेंगे कि 26 जनवरी कैसे होता है, रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं स्कूल में और गांव में हमारे। तो आज आपको ये देखने मिलेगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहो। तो चलो अभी चलते हम, क्योंकि 7 बज के गए हैं, 7:30 बजेगा कुछ टाइम है झंडे का। तो चलो चलते आप सीधा और आपसे मिलते सीधा स्कूल में, चलो चलते। सो फाइनली मैं आ गया अभी स्कूल के अंदर। देखिए ये है मेरी स्कूल। तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके फोटो को पुष्पहार पहना कर पचम शही के रस्म अदा की गई।
चलो अभी हम चलते हैं नीचे, जहाँ झंडा है, जहाँ सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उस साइड चल के आपको दिखाता हूँ मैं। Yeah.
जनवरी हमारे मुल्क में योम जमहूरिया के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। 1947 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन आज़ादी के बाद ये मुल्क कैसे चलाया जाए इस पर काफ़ी बहस हुई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सदारत में एक कमेटी बनाई गई और उसमें आज ये जो हम जिसको घटना कहते हैं या संविधान कहते हैं, दस्तूर अमल कहते हैं, वो बन गया। सो अभी हम यहाँ से जा रहे ऊपर एक बार फिर से ग्राम पंचायत में, वहाँ भी कुछ प्रोग्राम है। तो देखिए यहाँ से सब बच्चे जाते हुए, तो चलिए अभी हम भी इनके साथ चलते हैं ऊपर। अभी यही रास्ते से हम चलते ऊपर, देखिए सब नारेबाजी चालू है इधर। हंसी चलते अभी हम इसी सीढ़ी से जाएंगे। या हमारे स्कूल के लड़के जोर में नारे लगाते हुए, चलिए अभी ऐसे ही चलते अभी हम आगे आगे चलते अभी हम ऐसे और देखते आगे ग्राम पंचायत में जो कुछ प्रोग्राम चल, ग्राम पंचायत में अभी हम चलते चलो। और यहाँ इस ग्राम पंचायत में झंडा लहराएंगे और कुछ प्रोग्राम होगा। हमारे कौमी त्यौहार यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। एक 80 और लंबे फैले हुए मैदान के अंदर वहाँ पर दो स्कूल के, तीन स्कूल के बच्चे, जिला परिषद उर्दू कन्याशाला साकरनाटे, शासकीय मत्स्य व्यवसाय शाला साकरनाटे और मॉडर्न स्कूल साकरनाटे, इन तमाम बच्चों की हाजिरी के अंदर और साथ ही साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत की तमाम अराकी आजी माजी तमाम सदस्य, गांव की मुआजी हस्तियां, दोनों गांव के दोनों मोहल्लों के जिम्मेदार और कई ऐसे सरपरस्त हजरात जिनकी मौजूदगी के अंदर यहां पर हम दो कौमी त्यौहार मनाते ही है। खुशी की बात है हमारे लिए ये तमाम बच्चे जो है तमाम हाजिरीन यहां पर जमा होकर इस हमारे इस प्रोग्राम को या इस बज्म को चार चांद लगाते हैं। यमुना गंगा उत्तर जलदि तरंगा तव
ग्राम पंचायत का भी ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हुआ। अभी यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे यूनियन बैंक के पास, यहाँ कुछ बच्चों का प्रोग्राम है, उसके बाद जाएंगे हम नीचे, क्योंकि आज दो प्रोग्राम है, एक है इंग्लिश स्कूल के बच्चों का, एक है हमारे उर्दू स्कूल के बच्चों का। और देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब बच्चों का प्रोग्राम है अभी। कुछ ही देर में अभी यहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और देखिए सब बच्चे हाथ दिखाते हुए। देश मेरे गाणं म्हणून दाखवणार आहे ती, देश मेरे सफिया घुबरे। सो गाइस आपने ये इधर का देखे, मैदान के पास का देखे, इधर जो प्रोग्राम हो रहा है इंग्लिश स्कूल के बच्चे को, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, डांस वगैरह हो रहे हैं, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको यूट्यूब के रूल्स तो पता है, कॉपीराइट क्लेम लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ का नहीं दिखा पाया। लेकिन यहाँ भी बहुत पब्लिक है, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे जहाँ उर्दू स्कूल के बच्चों का कुछ प्रोग्राम हो रहा है गाँव में, जहाँ 15 अगस्त के दिन हम नीचे गए थे वहाँ कुछ उर्दू स्कूल का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है।
तो वहाँ हम चलते। तो मैं आ गया अभी नीचे, देखिए यहाँ भी स्टेज बना हुआ है और यहाँ भी काफ़ी पब्लिक है और यहाँ हमारे उर्दू स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है। तो उर्दू स्कूल कन्या शाला साकरी नाटा, इनकी हबीबा मिर्तकी मौला ये बच्ची है, एक तकरीर पेश करेगी। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग एहसास है इस मिट्टी में, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मौजिद सामईने इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये वतन मेरी शनाख्त मेरी पहचान है और दुनिया भर में मेरा मान भी। इस लफ्ज हिंदुस्तान से मेरा वो रिश्ता है जो किसी तितली का उसके परों से, पंछी का उड़ान से और किसी शख्स का अपनी नाम से होता है, अपनी शनाख्त से होता है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ए अहले वतन, तुम्हें यौमे जमहूरिया मुबारक हो। मेरे दिल में कुछ उठे सवालात हैं, मैं आपके सामने गोशो गुजार करना चाहूँगी। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज हम 74वां यौमे जमहूरिया मना रहे हैं। हमारे मुल्क में हमें कई मजाहिब के लोग, दिगर रंगो नस्ल का फर्क, तहजीब व तमद्दुन में अलाहिदगी, रस्म व रिवाज में फर्क, सब कुछ देखने मिलेगा। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे रहनुमाओं ने एक दस्तूर हिंद बनाया था। दस्तूर हिंद इसलिए बनाया था कि पूरी दुनिया को ये बदला सके कि इंसान किसी भी मजहब रंगो नस्ल से हो। मेरा हिंदोस्तान, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन, ये हमारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन है हमारा वतन, सबसे प्यारा हमारा वतन। ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन, ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन, और अशफाक नेहरू की है ये मक्की, और अशफाक नेहरू की है ये मक्की, शेख हिंद हिंद यार मदनी है साया बगन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन, मेरा हिंदोस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलशिसाए प्यारा चमन। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। सो गाइस, देख लिया आपने रिपब्लिक डे। अगर आज की बात करूँ तो दो प्रोग्राम हुए, एक था इंग्लिश स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम जो ऊपर बैंक के पास मैदान में बैंक के पास जो हो रहा था
वो इंग्लिश स्कूल के बच्चों का था और नीचे गांव में हमारे उर्दू स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था, जैसे इंग्लिश स्कूल के बच्चों का डांस वगैरह हो रहे थे गाने पे, देशभक्ति के गाने पे डांस वगैरह हो रहे थे। बट मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि पता है आपको कॉपीराइट क्लेम लगने का डर होता है यूट्यूब पे इस वजह से। और जो नीचे बच्चों का हुआ वो नाच तराने माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ उनका प्रोग्राम, दोनों स्कूल के बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। नीचे का मुझे इतना देखने नहीं मिला क्योंकि दोनों एक ही टाइमिंग पे हो रहा था, दोनों एक ही टाइमिंग पे चल रहे थे प्रोग्राम। नीचे उर्दू स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम एक टाइमिंग पे चल रहा था, ऊपर इंग्लिश स्कूल के बच्चों का। और नीचे जब मैं गया तो मुझे दो तीन नात वगैरह बच्चों के मिले क्योंकि आज बाज़ार भी था जुमेरात का, इसलिए नीचे जो प्रोग्राम बच्चों का हो रहा था उर्दू स्कूल के वो जल्दी ख़त्म करना पड़ा बाज़ार की वजह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ दोनों स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम। ये था हमारे गांव की साकरीनाटी स्कूल के बच्चों के रिपब्लिक डे का प्रोग्राम। ऐसे हमारे गांव में 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है जो आज आपने देखे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे एक और मस्त वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।